टुडे वी डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। फर्स्टली जो इसकी जो पहचान होती है वो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी या ये ही आते हैं तो वो पास्ट टेंस होता है, ठीक है। और पास्ट में पास्ट सिंपल, ओके। तो अभी ये सिंपल ही चल रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, ठीक है। जो इसका सूत्र है तो वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डिड। लेकिन ये किस में यूज होता है, ये होता है इट यूज़ इन ओनली नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका यूज होता है किस में, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और अगर तब डिड का यूज होता है तो हम वहाँ पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और मेनली अगर सिंपल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो वहाँ पे हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ये नोट, इट यूज विद ऑल द सब्जेक्ट बिकॉज हियर आर नॉट एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। इसका यूज सभी सेंटेंस के साथ, जो हेल्पिंग जो सब्जेक्ट दिए गए हैं सभी सेंटेंस के, उनमें सभी के साथ डिड का यूज होता है जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में होते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस डिड ही एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पास्ट के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अभी एग्जांपल हम देख रहे हैं, रोहन रोट ए लेटर। रोहन ने एक पत्र लिखा था, ठीक है। तो सब्जेक्ट ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा, प्रदीप प्लेड फुटबॉल, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी नेगेटिव सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डिफरेंस आपको ये देखना है कि इसमें चेंज क्या हुआ। अगर पॉजिटिव सेंटेंस था तो उसमें डिड नहीं आया, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या हुआ, डिड के साथ नॉट का ही। आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, ठीक है, वो ऊपर मैंने बता दी थी आपको। अभी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल, मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल, मोहन स्कूल नहीं गया था। तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, क्योंकि डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, ठीक है, और वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जिन इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, राम डिड नॉट ईट ए मैंगो, राम ने एक आम नहीं खाया था। तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट हुआ, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए मैंगो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका पास्ट सिंपल टेंस, कल इसके यूज़ बताए जाएंगे, ठीक है। ये तो कॉमनली आपका बस बेसिक है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, क्वेश्चंस ओनली जो आपको मैं यूज़ बताता हूँ उसमें से आएंगे, ठीक है। बस आपको ये बेस ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, ठीक है, उसका यूज किसके अनुसार करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, जिससे आपके उसका बेसिक नॉलेज है वो पता रहे, ठीक है। ओके, होप यू लाइक इट, हैव ए गुड डे।